हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि आप कैसे वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हैं, वो आप एक बार मेरे साथ में शेयर करना। तो मैं वही आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने गार्डन का एक हिस्सा है वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि फ्लावर देखिए कितने अच्छे ब्लूम हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है हमारे यहाँ, तो अभी मैंने वाटरिंग नहीं करी है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और वीडियो बनाते टाइम मुझे दिखाना भी था कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा था कि आप वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाती हैं वो मुझे एक बार वीडियो में शेयर करना। तो फ्रेंड्स, ये है वर्मी कंपोस्ट, इसको मैंने थोड़ी क्वांटिटी में लिया है। आप चाहें तो जैसे आपके पास प्लांट हो, ज़्यादा प्लांट हो, मेरा तो इतने में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं खाली वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे चुकी हूँ अपने प्लांट को। तो ये वर्मी कंपोस्ट है और ये जो है ये इसका लिक्विड बन चुका है। कल मैंने इसको भिगो कर रखा था सुबह के टाइम पर, तो ऑलमोस्ट 24 घंटे हो चुके हैं इसको, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो आप जैसा आपके पास में हो, मतलब जितनी क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट हो उसी के मतलब उसी हिसाब से आप इसको भिगो कर रख दें। फिर उसके बाद में मतलब 10 गुना पानी डालकर, जैसे कि ये है इसमें, और ये बकेट है, ये देखिए ये बकेट है, इसमें मैं 2 से 3 मग पानी मतलब ये लिक्विड डालूँगी, इसका ये लिक्विड 2 से 3 मग डालूँगी। और बस फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें नहीं डालना है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल भी नहीं पाएगा। और जितना कम डालो क्वांटिटी उतना ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसी तरीके से डालना है फ्रेंड्स, और जैसे आपके प्लांट का साइज मतलब पॉट का साइज़ हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप, क्योंकि ये तो एक फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा आप डालें प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल दें। जैसे मेरे ये हैं बालसम, इनमें थोड़ा डाल दूँगी, तो इसी तरीके से मैं सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है लिक्विड फर्टिलाइज़र से, और जल्दी मिलता है फ्रेंड्स। जितना आपको अगर जल्दी फर्टिलाइज़र का असर जल्दी चाहिए तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। जैसे कि ये मेरा पॉट है, ये ऑयल कंटेनर का है, तो इसमें मैं 2 मग डालूंगी क्योंकि ये बड़ा है, 15 लीटर का है। तो जैसा पॉट का साइज़ वैसे आप इसमें डालें, तो इसको डालने से यही प्रॉफिट है फ्रेंड्स के इसके रिजल्ट जो हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिलेंगे। और अगर आप ड्राई वाला डालेंगे, जैसे एक मुट्ठी डाल देंगे प्लांट्स में, तो उनके रिजल्ट जो हैं आपको थोड़ा लेट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मेरे तो क्या, मैं कुछ प्लांट्स में पहले भी डाल चुकी हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, बस थोड़ा आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ, बाकी मैं डाल चुकी हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। बाकी तो मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, और जो भी मैंने रिपोर्ट किए हैं प्लांट्स उनकी, उनमें मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, तो उनमें नहीं डालूँगी। देखिए ये मिनिएचर वाले डहलिया हैं, ड्रॉप वेराइटी के, कितना खूबसूरत फ्लावर निकला है। तो मैं तो जब लाई थी फ्रेंड्स तो इसमें एक भी फ्लावर नहीं था, लेकिन बहुत खूबसूरत कलर है, डार्क डार्क पिंक कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो और ये मेरा अरेलिया है, मैं अरेलिया फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ। एक और मेरे पास में मुझे गिफ्ट में मिला है, वो अरेलिया है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने बहुत सी नर्सरी में पूछा ये कौन सा प्लांट है, तो सब बोले अरेलिया है, तो मैं आपके साथ में उसकी रिपोर्टिंग करूँगी, तो ज़रूर मैं दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। और मेरी मधुमालती की बेल में बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं, जब से मैंने इसको धूप में रख दिया बहुत सुंदर बर्ड्स आ रही हैं। और ये ऐसे पॉली बैग में लगा हुआ है, तो समय समय पर इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। और लगा तो ये पॉली बैग में ही है, तो मैं जितना हो सकता है पॉट खरीदती हूँ, अभी खरीदती हूँ, पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी
गार्डनिंग की तो मैं पॉट ज़्यादा नहीं ख़रीदती थी फ्रेंड्स, बस ऐसे ही पॉली बैग में या वेस्ट कंटेनर होते थे उनमें लगा देती थी। इस तरीके से अगर आप गार्डनिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स तो इसी तरीके से करें, आप छोटे छोटे जो वेस्ट कंटेनर होते हैं उनको यूज़ करें। और ये है मेरी तुलसी, तो इसको मैंने पिंच कर दिया है, तो यहाँ से ऊपर से और ब्रांचेस निकल आएंगी। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।